गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आज को टॉपिक स्टार्ट करते हैं डेली करंट अफेयर या करंट अफेयर का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू की, किसकी? पंडित जवाहरलाल नेहरू की पुण्यतिथि मनाई गई। कौन सी पुण्यतिथि? पंडित जवाहरलाल नेहरू क्या मनाई गई? सब पुण्यतिथि मनाई गई, ठीक है। और ये क्या थे? ये फर्स्ट पीएम थे अपने आगे। कौन थे? फर्स्ट पीएम और सबसे ज़्यादा समय तक रहने वाले पीएम, ठीक है। फर्स्ट कौन थे? ये पीएम थे और ज़्यादा समय तक रहने वाले पीएम। और इनका कार्यकाल कितने से कितने था? सब लोग यही पूछेंगे कि इनके कार्यकाल कब था। देखिए, इसमें ज़्यादा वो सोचने वाली बात नहीं है, ठीक है। इसमें क्या है, ये फर्स्ट पीएम थे, इनका कार्यकाल सबसे ज़्यादा लंबा था, मतलब सबसे ज़्यादा तो सबसे ज़्यादा लंबा इनका था। कार्यकाल कब से कब तक था? 1947 से 27 मई 1964 तक। एक तरीके से कहा जाए जब से देश आज़ाद हुआ तब से ये कितना रहे, देखिए 50 तो ये हो गया, 50 14 जे साल और 3 जे, मतलब 17 साल लगभग क्या रहा इनका कार्यकाल रहा। और इनके जब जो पीएम थे तभी इनकी क्या हो गई, मृत्यु हो गई, उसके टाइम भी ये क्या थे, पीएम थे। तो 27 मई को क्या मनाया गया, इनकी पुण्यतिथि के रूप में मनाया जाता है, ठीक है। इन्होंने 1920 से 1921 के बीच 1922 के बीच किसमें, असहयोग आंदोलन में, आंदोलन में दो बार जेल गए, दो बार जेल गए, मतलब एक तरीके से कहा जाए तो इन्होंने जीवन, मतलब स्वतंत्रता सेनानी के रूप में भी इन्होंने क्या किया, बहुत सारा क्या किया, काम के तौर पर किया, मतलब कि एक तरीके से एक क्रांतिवादी, एक राष्ट्रवादी और एक तरीके से एक पीएम के रूप में इन्होंने क्या किया, अपने पदभारों को संभाला और देश की सेवा में क्या किया, अपना पूरा जीवन काल लगा दिया, ठीक है। तो ऐसे ऐसे में इनके मतलब पुण्यतिथि को एक तरीके से भव्य रूप से क्या किया गया, मनाया गया, ठीक है। इनकी मृत्यु कब हुई थी? 27 मई 1964 को। ये कोई भी क्वेश्चन में आपसे पूछा जा सकता है। पश्चिम बंगाल को, किसको? पश्चिम बंगाल को क्या किया गया? पश्चिम बंगाल को शिक्षा के क्षेत्र में, किसके शिक्षा, एजुकेशन के क्षेत्र में, ठीक है, शिक्षा के क्षेत्र में क्या किया गया, इस्कॉम अवार्ड दिया गया। किसको दिया गया? पश्चिम बंगाल को शिक्षा के देश क्षेत्र में इस्कॉम अवार्ड क्या किया गया, दिया गया। इसे इसे 18 जून 2022 को 2022 को इंडिया गवर्नेंस द्वारा दिया जाएगा, द्वारा दिया जाएगा। मतलब कहने का मतलब ये है कि इसे अभी तो बता दिया कि हम इसको पश्चिम बंगाल को देंगे, ठीक है, इसकी क्या कर दी गई, घोषणा कर दी गई। और इसे रियल टाइम पे कब दिया जाएगा, इसे 18 जून 2022 को इंडियन गवर्नेंस द्वारा दिया जाएगा, ठीक है। कहाँ पे? नई दिल्ली में दिया जाएगा, इंडियन गवर्नेंस फोर्स द्वारा दिया जाएगा। और कहाँ पर दिया जाएगा? इसे दिया जाएगा दिल्ली में, ठीक है। कौन सी? न्यू दिल्ली में। न्यू दिल्ली में क्या होगा? इसे दिया जाएगा। इसका उद्देश्य क्या है, किस उद्देश्य से इन लोगों को दिया? इसका उद्देश्य देखिए क्या है, भारत को बेहतर राष्ट्र बनाने पर, राष्ट्र बनाने के लिए
भारत को बेहतर राष्ट्र बनाने के लिए अतिरिक्त प्रयास करने वाले लोगों को, ठीक है, भारत को बेहतर राष्ट्र बनाने के लिए अतिरिक्त प्रयास करने वाले लोगों को क्या किया जाएगा, ये अवार्ड दिया जाएगा। जैसे कि कोई भी क्षेत्र में किसी प्रकार का क्या होता है, भारत को अच्छा राष्ट्र बनाने के लिए इस प्रकार का काम होता है, तो उस व्यक्ति, उस संस्था और मतलब उससे मतलब जो भी रिलेटेड रखता होगा उसको क्या किया जाएगा, उस अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। और ये एक गौरव के तौर पर उसको पूरे भारतवर्ष में देखा जाएगा कि इन्होंने हमारे भारतवर्ष में मतलब इन्होंने क्या, ये भारत में इन्होंने अपने वर्चस्व को मतलब बढ़ाने के लिए, भारत के वर्चस्व को बढ़ाने के लिए इन्होंने अपना योगदान दिया, ठीक है। किसी भी क्षेत्र में हो, साइंस के क्षेत्र हो, ठीक है, और मशीनरी के क्षेत्र में हो, टेक्निकल नॉन टेक्निकल किसी भी क्षेत्र से, वो भारत का गौरव बढ़ाए, ठीक है। तो इस प्रकार का क्या होता है, उसको ये अवार्ड से क्या किया जाता है, सम्मानित किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, ग्रीन NH3, ग्रीन अमोनिया, ठीक है, क्या बोलेंगे इसे, ग्रीन अमोनिया शिपिंग में, ग्रीन अमोनिया शिपिंग में ACME ग्रुप प्लस NYK लाइन, ये दोनों कंपनी ने क्या क्या, इन दोनों कंपनियों ने क्या किया, समझौता किया, किसमें, शिपिंग में, ठीक है। इनके द्वारा क्या किया गया, इस शिपिंग में क्या किया गया, समझौता किया गया इनके द्वारा, ACME ग्रुप कह रहा है कि हम आपको क्या करेंगे, उत्पादन करेंगे अमोनिया का, ठीक है, हम अमोनिया का किसका, ग्रीन अमोनिया का करेंगे उत्पादन करेंगे, और लिम लाइन ये क्या करेगी, इसको क्या करेगी, एक स्थान से दूसरी जगह शिपिंग पार्टनर होगा ये, ठीक है। मतलब इसको क्या करेगी, ये प्रोडक्शन करेगी, ये क्या करेगी, इस चीज़ को बनाएगी जितना से जितना उत्पादन हो सके उसके क्षमता के तौर पर, और ये क्या करेगी, इस चीज़ का शिपिंग क्या करेगी, मतलब भेजेगी दूसरी जगह, ठीक है। इसका क्या अर्थ है, इसका अर्थ है वैश्विक स्तर पर, ग्राहकों को ग्रीन अमोनिया भेजना, ठीक है। क्या है, वैश्विक स्तर पर क्या है, ग्राहकों को वैश्विक स्तर पर क्या करना है, ग्रीन अमोनिया को क्या करना, भेजना, ये क्या रहेगा, इसका उद्देश्य रहेगा, इसका उद्देश्य है कि हम क्या करेंगे, हम आपके ग्रीन जो आप बना रहे हो, उत्पादन कर रहे हो, इन्होंने बोला NYM लाइन, LM लाइन ने, कि अब ठीक है, कि ये बोला इन्होंने कि अगर आप हमें क्या बोलते, उत्पादन सही दोगे तो कोई टेंशन नहीं लो, आप हमारे ऊपर ग्राहकों तक पहुंचाने के लिए जिम्मेदारी हमारे ऊपर छोड़ो, क्यों, क्योंकि यूक्रेन और रूस के युद्ध के कारण बहुत सारे क्या हो रहे हैं, बहुत सारे क्या कर रहे हैं कि मतलब नए नए रास्ते खोजे जा रहे हैं दुनिया में, क्या बोलते, अमोनिया के उसके लिए, प्रोडक्शन के लिए, ठीक है, और भी बहुत सारे रास्ते जिनके द्वारा बहुत सारी चीज़ों का क्या हो रहा है, प्रोडक्शन के लिए नए नए रास्ते खोजे जा रहे हैं, और जिससे कि वैश्विक स्तर पर हर चीज़ का क्या रहे, मांग एक तरीके से स्थिर रहे, बढ़े नहीं, ठीक है। और अगर कहीं कमी हुई तो ये महंगाई को बहुत ज़्यादा वो देता है, अर्थव्यवस्था को भी ढाल सकता है, क्योंकि अगर कोई चीज़ कहीं महंगी होती है तो उसका सीधा असर देश पे पड़ता है, और वो कभी भी खतरे की स्थिति में आ सकता है, ठीक है। सरकार ने क्या किया, लघु व्यवसाय जी।
सरकार ने लघु व्यवसाय क्लस्टर विकास कार्यक्रम के लिए दिशा निर्देश जारी किए। ठीक है, सरकार ने क्या किया, लघु व्यवसाय क्लस्टर विकास कार्यक्रम के लिए क्या किया, दिशा निर्देश को क्या किया, जारी किया। इनके द्वारा क्या किया गया, दिशा निर्देशों को जारी किया गया। ठीक है, और इसके संभवतः ये की गई कि 15वें वित्तीय आयोग द्वारा, किसके 15वें 15वें वित्तीय आयोग द्वारा, कौन से 15वें वित्तीय आयोग द्वारा, चक्र द्वारा किया गया। ठीक है, 15वें वित्तीय आयोग द्वारा चक्र द्वारा क्या किया गया, इसको किया गया। इसका उद्देश्य क्या है, अब एक बार बताइए, कोई भी विकास सरकार करे, किसी के लिए दिशा निर्देश जारी करेगी तो उसका कोई ना कोई तो उद्देश्य होगा, तो इसका उद्देश्य बताते हैं। कुछ हस्तक्षेप करके क्या करना, कुछ हस्तक्षेप करके सूक्ष्म और लघु उद्योगों को प्रतिस्पर्धा और उत्पादन को बढ़ावा देना। ठीक है, इनके द्वारा क्या किया गया, कुछ हस्तक्षेप करके सूक्ष्म एवं लघु औद्योगिक प्रतिस्पर्धा को क्या करना, प्रतिस्पर्धा करना, प्रतिस्पर्धात्मक करना, मतलब एक तरीके से कहने का मतलब है कि जैसे आप कोई दो लोग उद्योग कर रहे हैं, एक ही उद्योग कर रहे हैं, तो उसको इस तरह से मतलब उन दोनों के बीच में प्रतिस्पर्धा का वो करना कि उनको अपने उद्योगों को अच्छे अच्छे तौर पर क्या करें, दूसरों को बेस करें और किसी प्रकार की मतलब वो ना करें, धन मतलब धन दादली भाजी की, मतलब कि 10 की चीज़ पर 500 में बेच रहा, 20 की चीज़ पर 200 में बेच रहा, ऐसी मतलब इस तरह का ना करें। उनके द्वारा क्या कर रहे हैं, उत्पादन को बढ़ावा देना, जैसे कि कोई मतलब किसी तरह से जैसे कोई कपड़े की दुकान खोले, ठीक है, तो वो जीन्स अकेली बेचता है, तो उसके उत्पादन को बढ़ावा देने मतलब कि वो जीन्स के साथ साथ टी शर्ट है ना, और टी शर्ट शर्ट और भी कपड़े मतलब और तरह के डिजाइन डिजाइन और अच्छे तरीके से उद्योग को और बढ़ाए, तो इसके लिए सरकार क्या करेगी, उसमें प्रतिस्पर्धात्मक भावनाओं क्या करेगी, जागृत करेगी, किसी भी प्रकार के बोला नहीं है हस्तक्षेप करके किसी भी प्रकार से कि आप इतना बिजनेस कर रहे हैं थोड़ा और बढ़ाइए इसको, इस तरह से हस्तक्षेप करके उसके बिजनेस को क्या करना है और इसे इस स्तर पर ले जाना, जिससे कि ये आगे जाके इसके बिजनेस को लेके मतलब सरकार को इसके बिजनेस से क्या होगा, फ़ायदा होगा, मतलब टैक्स तरीके से मिलेगा तो वो फ़ायदा होगा सरकार को, इसलिए इस चीज़ को क्या करना, बढ़ावा देना। आरबीआई ने क्या किया, मूफीज बैंक में, आरबीआई ने किसमें, मूफीज बैंक पर लगाया 45 लाख रुपए का जुर्माना। कितना, 45 लाख रुपए का क्या लगाया, जुर्माना लगाया, जुर्मीना नहीं, जुर्माना। ठीक है, क्यों लगाया गया ये, और ये बैंक कहाँ की, सबसे पहली बात ये बैंक है जापान की, कौन सी, मूफूजी, ये बैंक कहाँ की है, जापान की है, ये बैंक कहाँ की, जापान की, क्या है ये बैंक है, सबसे बड़ी बैंक है। ठीक है, और इसकी स्थापना कब हुई थी, 1 जनवरी 2006 को क्या हुई थी, इस बैंक की स्थापना हुई थी,
और इस पर जुर्माना किस वजह से लगा, इसके ऊपर जुर्माना इस वजह से लगाया समयबद्ध, कार्बन कार्बनियन। ठीक है, इसमें क्या है, समय कार्यबंध और स्विफ्ट से संबंधित परिचालन नियंत्रण के लिए, मतलब इनके द्वारा क्या हो रहा है, समय पर इस तरह का काम नहीं किया जा रहा था और जिसके लिए क्या हो रहा था, ग्राहकों को प्रॉब्लम होने के कारण आरबीआई ने क्या किया कि आप दिशा निर्देशों का सही से पालन नहीं करने के कारण हम आपको क्या करते हैं, हम आपके ऊपर जुर्माना, ये जुर्माना इसलिए लगाया गया क्योंकि आरबीआई सबसे पुराना बैंक है। ठीक है, और ये वहाँ की मतलब वहाँ पे क्या हर किसी, अगर कोई भी बैंक अगर इसके तहत अगर वो काम नहीं कर रहा हो, इसके मतलब इससे किसी प्रकार से है संबंधित और वहाँ ग्राहकों को प्रॉब्लम्स होती है, तो उस चीज़ को ये क्या करेगा, समाधान करेगा। ठीक है, और आरबीआई के गवर्नर कौन है इस टाइम, इतना बड़ा फैसला लेना ही बहुत बड़ी बात होती, आरबीआई के गवर्नर इतना बड़ा फैसला लेना ही बहुत बड़ी बात होती किसी देश के बैंक को लेके। ठीक है, इनके आरबीआई के गवर्नर कौन है, यहाँ पे शक्तिकांत दास, शक्तिकांत दास क्या है, यहाँ के गवर्नर है। ठीक है, शक्तिकांत दास कहाँ है, यहाँ के गवर्नर है। ठीक है, आरबीआई के गवर्नर है। ठीक है, और इसके बाद क्या है, नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। लाइट बहुत दिक्कत कर रही है यहाँ पे, तभी लाइट दिक्कत हो रही है, चक्कर में शाम की क्लास नहीं दे पाए थे हम आपको, और आज हम सोचते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो क्लासेस लेने की कोशिश करेंगे अगर लाइट रही तो। ठीक है, और आज के लिए सब इतना ही, क्योंकि इसमें कुछ ज़्यादा पॉइंट हमें मिले नहीं और नेक्स्ट क्लास में इससे भी अच्छे ज़्यादा पॉइंट्स लाएंगे। ये होता है, देखो कभी कभी क्लासेस में पॉइंट सही नहीं मिलते तो आप लोगों को वो चीज़ नहीं आएगा तो फिर क्या पढ़ा के फ़ायदा है ना, जो चीज़ आएगा तो वो पढ़ाने से ज़्यादा फ़ायदा होता है। तो फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक से और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें स्टूडेंट्स, और आप लोग के लिए एक खुशखबरी है कि हम आपका SSC का मतलब जो क्लासेस अब जो भी बची हैं SSC का साइंस वाला, वो इस अगले महीने की 15 तारीख तक करा देंगे बिल्कुल फिनिश, जितनी भी क्लासेस होंगी जल्द से जल्द कराने की कोशिश करेंगे, और क्या बोलते, और जो रीजनिंग वाली क्लास चल रही है उसको भी जल्द से जल्द इस महीने कराने की कोशिश करेंगे जितना हो सकता है। बस ये आप लोगों को रिस्पॉन्स सही मिले और आप लोगों को शेयर करना पड़ेगी वीडियो और अच्छे से अच्छे ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को जोड़ना पड़ेगा। थैंक यू फ्रेंड, स्टूडेंट और सबको गुड मॉर्निंग।